नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सोगैज इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सोगैज इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सोगैज इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगाई जिस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगाई जिस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगाई जिस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सुगैज इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं इस मूवी की कहानी, पढ़ सकते हैं कहानी की समीक्षा, सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सुगैज इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं इस मूवी की कहानी, पढ़ सकते हैं कहानी की समीक्षा, सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सुगैज इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं इस मूवी की कहानी, पढ़ सकते हैं कहानी की समीक्षा, सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 में एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि बचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि बचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि बचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ सॉरी बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ सॉरी बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ सॉरी बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $31 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। इस मूवी के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट, द्वारा लिखित इकबाल राज, द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल, द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर $22.50 मिलियन बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और विवरण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनीत किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा, संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर बॉक्स ऑफिस है $31 मिलियन। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रोक के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है बम्बई का बाबू। बम्बई का बाबू विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित 1996 एक भारतीय एक्शन फिल्म है जिसमें सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री, काजोल ने अभिनय किया है। आनंद मिलन द्वारा फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण था। सगे जिस मूवी के कुछ और पिपण देख लेते हैं। निर्देशक है विक्रम भट्ट द्वारा लिखित इकबाल राज द्वारा उत्पादित कुल आडवाणी, सह निर्माता रवि वचानी, अभिनित किया है सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, छायांकन है भूषण पटेल द्वारा संपादित वामन भोसले, संगीत दिया है आनंद मिलिंद। रिलीज की तारीख है 22 मार्च 1996। देश है भारत, भाषा है हिंदी, बजट है पर 22.50 मिलियन डॉलर रुपीज़ बॉक्स ऑफिस है 31 मिलियन रुपीज़। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, इस मूवी की कहानी पढ़ सकते हैं, कहानी की समीक्षा सारा रूप के पढ़ सकते हैं। और इस मूवी के रिव्यू देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।